हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रमन, बीआर क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और ये जो क्लासेस चल रही है ये जीडी स्पेशल चल रही है। एसएससी जीडी के एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पक्के मिलने वाले हैं आपको। तो जो भी एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं, एक एक वीडियो को देख के जाइएगा और एक एक चीजों को समझ के जाइएगा। क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, मुश्किल नहीं आती है क्वेश्चन। 25 में 25 आप ला सकते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में 25 में 25 ला सकते हैं, ठीक है। इस चैनल में आपको जुड़ने से क्या फायदा है, आप बिल्कुल जुड़ जाएंगे। रीजन क्या है कि यहाँ पे तरीके तो बताए जाते हैं जैसे हर जगह बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे सोचना है कैसे क्वेश्चंस को, ये चीज आपको अलग से बताया जाता है जो कि और कहीं नहीं है। तो दोस्तों, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि हम थोड़ा समय लेते हैं, उसके बाद वो चीजें आसान हो जाती है समझने के बाद। चलिए, आज भी वैसा ही कुछ करेंगे, सोचेंगे और समझेंगे कि कैसे समय बचता है और चीजों को हम बनाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आइए देखते हैं। और ये क्वेश्चन सारे आपके पेपर में आने वाले हैं, देखिए कैसे करेंगे। बोलता है 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का SI ज्ञात करें। इस पर 219 दिन का SI ज्ञात करना है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखते हैं वहां पे क्या होता है, 2 साल 3 साल 5 साल इस प्रकार से हमको SI साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है, लेकिन यहाँ पे 219 दिन का ब्याज ज्ञात करना है, दिन में है। तो दोस्तों, करना क्या समझिएगा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि 73 का पहाड़ा ध्यान रखिएगा। 73 146 219 72 196 292 और 365 73 का पहाड़ा 5 तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसमें क्या होगा, क्या बेनिफिट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आइए समझते हैं। करें कैसे, हमको साधारण ब्याज बोला तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, होता है P × R × D/100 होता है, क्लियर यहां तक, ठीक। तो मेरे पास प्रिंसिपल कितना दिया, बोले 2500 रुपए प्रिंसिपल, रेट कितना दिया 5% दिया और टाइम कितना दिया 219 दिन। तो दोस्तों, जो हम ब्याज निकालते हैं वो सालाना होता है, रेट देखे वार्षिक है, रेट क्या वार्षिक, इसका मतलब टाइम को हमको वर्ष में चेंज करना होगा, मतलब साल में। तो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, इसका मतलब इसको साल में चेंज करेंगे 365 से भाग देंगे, इसको 365 से भाग देंगे, ये हो जाएगा साल में चेंज। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 100, इसको 100 से डिवाइड कर दी, इसको सॉल्व करेंगे मेरा साधारण ब्याज आ जाएगा, क्या आता चलिए देखते हैं। 2 0 कैंसिल हो गए, क्लियर है यहां तक, 73 का पहाड़ा में 3 बार में 73 का पहाड़ा 5 बार कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 25 × 3 मतलब 75 75। तो मेरा जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा 75। ये तो हो गया साधारण तरीका, लेकिन आप इस तरीके से तो बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप सोचना चाहिए आपको हर एक सवाल पे, कैसे सोचेंगे और समय कैसे बचेगा, ध्यान दीजिए क्या करना है। देखिए, हमने सीखा था कि SI का फॉर्मूला हमने सीखा था R × T%, ये हमने सीखा था, याद करेंगे आप, सीखे थे हम लोग R × T% सीखे थे, ठीक है, R × T%, ठीक। मेरे पास R तो है, मेरे पास टी जो है वो सालाना नहीं है, मेरे पास कितना है साल में नहीं, कितना है 219 दिन है, इसको साल में चेंज करते हैं, करेंगे क्या इसको 365 से भाग देंगे, और 73 का पहाड़ा आपको याद होगा क्या बोलेंगे 3/5, क्या आ गया मेरे पास टाइम जो आया वो क्या है 3/5। R × T करेंगे तो क्या होगा, R × T करने से 5/5 कट जाएगा, इसका मतलब हमको 3% का मान बताना है, कितना परसेंट का मान बताना है 3%, 1% कितना होगा 25, 3% कितना होगा 75, मान देगा, मतलब लिखने का भी जरूरत नहीं है दोस्तों सारे क्वेश्चन में। सोचना कैसे है, क्या बोले 219 दिन है, आपको 73 का पहाड़ा याद रखना है, नीचे क्या आएगा 365, 3/5, इसको 3/5 से गुणा करेंगे 5/5 कट जाएगा, बचेगा 3%, इसका मतलब इसका 3% कितना 1%, 25 3% 75, इतना ही करना है, लिखने का जरूरत ही नहीं है, हर एक क्वेश्चन में हम देखेंगे ऐसे ही। चलिए दोस्तों, इस टाइप के भी हमने क्वेश्चन सीखने होंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, क्या रहते हैं समझिएगा। बोलते हैं कि 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से SI क्या होगा। पिछले बार क्या मेरे पास दिन बता दिया था कि 219 दिन है, इस बार ये दिन नहीं बता रहा, समय बता रहा, पीरियड बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमको दिन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, हमको कितने दिन का ब्याज चाहिए ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब कैसे करेंगे समझेंगे, मेरे पास प्रिंसिपल है, क्या मेरे पास प्रिंसिपल 3200, मेरे पास समय कितना है, समय को कैलकुलेट करना होगा, और रेट मेरे पास क्या 5%, मेरे पास रेट है, मेरे पास प्रिंसिपल भी है, मेरे पास केवल उनको समय को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए 4 अप्रैल से लेकर के 16 जून तक कितने दिन हुए, कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए 4 अप्रैल और 16 जून तक ब्याज जो है कैसे कैलकुलेट होता है, समझिएगा, मतलब जिस दिन आप ब्याज लिए और जिस दिन आपको ब्याज चुकाना है
उन दोनों में से एक ही दिन का ब्याज वो लेता है। कहने का मतलब है उसके बीच के जितने भी दिन है 4 अप्रैल से लेकर के 16 जून के बीच में सारे दिन का ब्याज तो लगेगा, लेकिन जिस दिन वो पैसा लिया उस दिन का ब्याज जोड़ देगा, या जिस दिन पैसा चुकाया उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ेगा। अगर जिस दिन पैसा चुकाया उस दिन का ब्याज जोड़ा तो जिस दिन पैसा लिया उस दिन का ब्याज नहीं जोड़ेगा, मतलब एक ही दिन का ब्याज जोड़ेगा, या तो पहला वाला तारीख का या तो लास्ट वाला तारीख का, मतलब 4 अप्रैल और 16 जून इन दोनों का ब्याज नहीं जोड़ सकता, वो एक ही दिन का ब्याज जोड़ेगा। या तो क्या कीजिए पहला दिन वाला का ब्याज जोड़ दीजिए, मतलब 4 अप्रैल का ब्याज जोड़ करके 15 जून तक जाएंगे, ठीक है, या तो 4 अप्रैल को छोड़ के 5 अप्रैल से 16 जून तक जाएंगे, ऐसे देखना हो तो देखिए हम अगर 4 अप्रैल को जोड़ लेते हैं, 4 अप्रैल को छोड़ देते हैं, तो 4 अप्रैल को छोड़ेंगे तो अप्रैल में कितना दिन होता, 30 दिन, इसका मतलब 26 दिन बच गया अप्रैल का। मई में कितना होता, अप्रैल के बाद मई में 31 दिन, और जून में कहां तक जाना, 16 तक। ध्यान दीजिएगा हम 16 तक क्यों गए, क्योंकि 4 अप्रैल को छोड़ दिए, अगर 4 अप्रैल को लेते तो 15 जून तक जाते, मतलब या तो पहले का एक डेट या तो लास्ट का एक दिन उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो कितना दिन वैसे जोड़िए, कितना आगे 12 13 3 बचा एक, एक साथ मतलब 73 दिन, 73 दिन का आपको ब्याज बताना, ठीक है। हम क्या बोलेंगे 73 दिन है, इसको साल में चेंज करेंगे 365 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब साल में क्या आ जाएगा 1/5 ईयर आएगा, बस सॉल्व हो गया खत्म क्वेश्चन। तो आप SI का फॉर्मूला लगा लीजिए, SI के फॉर्मूला में P(R)T/100 करना है, क्या SI बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिए P(R)T/100, ठीक है। प्रिंसिपल कितना 3200, रेट कितना 5%, और समय क्या निकला 1/5 और डिवाइडेड बाय 100, 5 से 5 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसका मतलब मेरा ब्याज क्या आएगा 32 रुपया, ये था लिख करके, लेकिन बिना लिखे कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। आप क्या देख रहे हैं 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक जाना है, ठीक है, जाना है, उसका दिन कैलकुलेट किया कितना है 73 दिन, 73 दिन का मतलब क्या हो 1/5, इसका मतलब मेरे पास समय मिला 1/5 और दर क्या निकला 5, R(T) करेंगे तो 5 1/5 में कटेगा तो क्या बचेगा एक, मतलब 1% मेरा निकालना है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल का 1% कितना होगा 10%, 320, 1% 32। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप ऑलरेडी बोले कर लेंगे, लेकिन इसके बीच का डे को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज समझदारी वाला बात मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 73 का पाड़ा क्या देखे 73 146 219 292 और 365, यही ना हमने देखा 73 का टेबल में, यही ना हमने देखा, बोलिए देखिए ना ध्यान से समझिए, कभी भी ये दिन देगा ना, कभी भी अगर यहाँ से यहाँ तक का पीरियड देगा किसी ध्यान रखेगा ये टेबल को जरूर टैली करेगा, मतलब या 73 दिन का ब्याज पूछेगा, या 146 दिन का ब्याज पूछेगा, या 219 दिन का पूछेगा, या 292 दिन का, या 365 दिन का, पूरा ऐसे पूछेगा, कभी भी वो बीच वाला नहीं पूछेगा। अब पूछेगा तो बहुत कम पूछेगा, आपके पेपर में नहीं पूछने वाला SC GD का एग्जाम, अगर वो CGL का पेपर होगा तो वहाँ पे 123 दिन का 125 दिन का ऐसे पूछ सकता है, समझ में आया, लेकिन आपको ध्यान देना है आपके पेपर में ऐसा ही पूछेगा। तो आप सोचिए कि अगर हम अप्रैल से लेकर जून जाते हैं तो कितना महीना का है, अप्रैल मई जून लगभग 2.5 महीना का है, ठीक है, या 3 महीना का है, तो 3 महीना के नियर अबाउट में कौन सा नंबर आ रहा है, 3 महीना में लगभग 90 दिन, मतलब 90 दिन में कौन सा नंबर आ रहा है 73 दिन आ रहा है, तो सिंपल सिंपल समझना कि 1/5 साल, अगर देखें 4 से 5 महीना, 5 महीना का मतलब 150 दिन होता है, तो 150 दिन के नियर में कौन सा नंबर है 46, इसका मतलब 2/5 है, ऐसे समझना है, समझ में आया बात, ऐसे सोचना है आपको, इसका मतलब इसके बीच का कितना दिन होगा 1/5, 73 दिन, 1/5 से गुणा करेंगे 1% मतलब 32, इसका मतलब ऐसे कौन होगा 32। चलिए आगे क्वेश्चन सीखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से कैसे करेंगे सवाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, बोलता किस राशि पर 5% SI की किस वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया होगा, क्या बोला किस राशि, उनको प्रिंसिपल बताना है, किस राशि पर 5% SI की वार्षिक दर से, यहाँ किस नहीं होगा समझिए, किस राशि पर 5% SI की वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया होगा, प्रिंसिपल बताना है, कैसे करेंगे सवाल, ध्यान से समझिए। हमने ये सीखा है कि एक साल में जो ब्याज मिलता है उसको आपको कन्वर्ट करना, बस काम करता हूँ यहीं तक, मतलब ये जो रेट है वो वार्षिक है 5% वार्षिक, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा वो देखना आपको, एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं, एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही दर कहते हैं, समझ में आया, क्यों, क्योंकि R(T) बराबर होता है SI%, होता है ना,
तो आर अगर 5% है और समय 1 साल है तो एसआई और रेट बराबर हुआ कि नहीं? एसआई 5%, रेट भी 5% बराबर हुआ। इसीलिए 1 साल में जो ब्याज होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? दर कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज मिलाना है, मतलब प्रतिदिन अगर 1 रुपया ब्याज मिलता है तो साल में कितने दिन होते हैं? तो बोलेंगे 365 दिन। तो 365 दिन में कितने ब्याज मिलेंगे? तो बोलेंगे 365 रुपया मिलेगा। इसका मतलब 1 साल का ब्याज क्या मिला? 1 साल का ब्याज मिला 365। इसका मतलब 1 साल का ब्याज को ही तो दर कहते हैं। इसका मतलब दर क्या है? 5%। 5% का मान कितना हो गया? 365 रुपया। तो हमको बताना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब 100%। 100% का मान क्या होगा ये देखना। क्लियर? 5 के टेबल में काटेंगे 73 बार। 1% बराबर 73 था, 100% बराबर 73 में 2 जीरो, इसका मतलब 7300 रुपया। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करना था? एकदम आसान तरीका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? सॉल्व कीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, तरीका बताएंगे और बिना लिखे कैसे बनाना ये भी करना है। आप अगर जब सोच नहीं पाएंगे ना क्वेश्चन में तो कभी भी समय नहीं बचा पाएंगे, ये बात को ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक सोचेंगे नहीं क्वेश्चन में, तरीका सब लोगों को आता है कैसे फॉर्मूला में सेट करना है, सबको आता है, लेकिन सोच पाना सब नहीं कर पाता, इससे ज्यादा सब कुछ समय नहीं बचा पाता। तो क्वेश्चन में सोचने के लिए कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में सोचे कैसे, कैसे समय बचे, ये चीज को हमेशा ट्राई कीजिए क्वेश्चन सोल्व करते समय, याद रखना। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को बढ़िया से। बोला 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा? मतलब प्रिंसिपल फिर से बता रहा हमको, और ब्याज क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है 25 रुपया, और रेट क्या है? 5%, और 3 महीना के लिए, 3 महीना के लिए। तो ध्यान दीजिएगा हमको बताना है क्या? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे पता करते हैं? डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है। अगर हमको प्रिंसिपल चाहिए तो 100 इधर भेज देंगे, मतलब ऐसा ही इंटू 100, और डिवाइड किससे करेंगे? आर इंटू टी से, आर इंटू टी से। इससे प्रिंसिपल डायरेक्ट मिल जाएगा। ये तरीका तो है मेरे पास, प्रिंसिपल बराबर SI into 100 by R into T, ये तो है नहीं, इससे बन ही जाएगा। देखते बना करके चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। मेरे पास SI कितना दिया? 25 रुपये, लिखने 25, 100 से इंटू कर दिए। रेट कितना है? 5%, और समय कितना है? 3 महीना। 3 महीना को साल में चेंज करना है क्योंकि मेरे पास रेट क्या वार्षिक, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 1 साल 12 महीना होता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। चलिए 5 से काट दिए, कितना बना? 5 बना, कट गया ये 12, ऊपर चल जाएगा 12, ऊपर जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? 100 इंटू 12 बाय 3 इक्वल टू पी। 3 से कितना बार में कटाइए? 4 बार कटा, और यहाँ 5 बचा हुआ है ना, इसको सॉल्व कीजिए। 5 गुना 4 20, 20 गुना 100, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया? 20 में 2 जीरो, मतलब 2000। बोलिए समझ में आया या नहीं आया आपको? क्या किए फिर समझिएगा। हम देखें कि SI फॉर्मूला P इनटू R इनटू T बाय 100 होता है, तो P बराबर क्या होगा? 100 उधर भेजे, R इनटू से डिवाइड कर दिए, इसका मतलब प्रिंसिपल बराबर हो गया SI इनटू 100 बाय R इनटू T। इसमें सेट कर दिए, मेरा आंसर आ गया 2000। ये तो लिखने वाला तरीका हो गया दोस्तों, लेकिन सोचेंगे कैसे इस क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी 3 महीना 4 महीना 5 महीना इस तरह से ब्याज दिया हुआ है, चाहे दिन का दिया हुआ है, आप कोशिश कीजिए ना कि उसको साल में बदलने का, क्योंकि हमने क्या सीखा कि 1 साल में मिलने वाले ब्याज वही दर कहते हैं। बस इसी चीज को आपको सीखना है कि ये 3 महीना में कितना ब्याज मिला? बोलेंगे 3 महीना में 3 मंथ में कितना ब्याज मिला? बोलेंगे 25 रुपया। बोलेंगे 12 महीना में कितना ब्याज मिलेगा? तो बोलेंगे ये 4 गुना है, 4 गुना मिलेगा, मतलब 100 रुपया मिलेगा, है कि नहीं? तो बस इसी को देखना है। 1 साल में ब्याज कितना मिला? 100। 1 साल में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं, दर कितना है? 5%। इसका मतलब 5% का मान हो गया 100 रुपया। प्रिंसिपल 100%, 100% का मान क्या होगा? ये 20 गुना है, तो 20 गुना कर दीजिए, इसका 20 गुना कितना आएगा? 20 में 2 जीरो, मतलब 2000। लिखने का जरूरत नहीं है दोस्तों इस सारे क्वेश्चंस को, आप कोशिश करेंगे सोचने का, देखिए कैसे करेंगे। फिर से एक बार टाइम लेते हैं क्योंकि चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। 5% है, 3 महीना का ब्याज है, हम बोले 3 महीना का ब्याज 25 रुपया, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपया। 1 साल में मिलने वाला ब्याज दर होता है, तो 100 रुपया 5% के बराबर, 100% के बराबर कितना? 2000 रुपये। बस ऐसे ही सवाल को करना और बनाना, ये तरीका था फॉर्मूला वाला, ये था कंसेप्ट कैसे इसको इजी होगा। चलिए आगे चलते हैं, कंसेप्ट भी देखेंगे तरीके भी देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 4080 रुपया
बन जाएगा। आपको मैंने क्या समझाया कि कभी भी रुपए बदलेंगे, बन जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा बोलेगा तो ये अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट वाला है प्रिंसिपल, ये वाला है अमाउंट। ये चीज ध्यान में रखना है। क्या है? फर्स्ट वाला है प्रिंसिपल और सेकंड वाला है अमाउंट। बात समझ में आए? इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? एसआई। इसका मतलब एसआई कितना होगा? एसआई होगा 4080 - 3000। इसका मतलब एसआई क्या हो गया? 1080 हो गया एसआई। तो बस एसआई का फॉर्मूला में लगाएंगे और प्रिंसिपल और टाइम पता कर लेंगे। टाइम पता करने को बोला कितने वर्षों में है कि नहीं, चलिए दिखाते हैं। एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। बात समझ में है? एसआई कितना मेरे पास है? 1080। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ? 3000। रेट कितना दिया हुआ? 12% और समय नहीं पता है और डिवाइडेड बाय 100। 1 2 1 2 0 कट गया, 1 0 1 0 इधर से कट गया, 12 से काट देंगे, 12 का पहाड़ में 9 बार में, 12 में 108, 3 का पहाड़ में 3 बार कट गया। इसका मतलब टी बराबर क्या दिखा? टी बराबर दिखा फिर इसका मतलब समय कितना लगेगा? समय लगेगा 3 साल। ये था दोस्तों बेसिक तरीका। लेकिन आपको क्या मैंने समझाया? सोचना कैसे, क्वेश्चन पर करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, ये एक लाइन याद रखना। साधारण ब्याज हर साल क्या होता है? बराबर होता है। करना क्या, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज है कितना? यहाँ पे साधारण ब्याज है कितना? बोलेंगे 1080 है। कितने साल में है ये नहीं पता, कितने साल में ये नहीं पता है कि नहीं? हर साल तो बराबर होगा। हम एक साल का ब्याज पता कर लेते हैं, सिंपल सिंपल एक साल का ब्याज। तो ब्याज किससे मिलेगा? प्रिंसिपल। रेट कितना है? 12%। 12% पे एक साल में ब्याज कितना मिलेगा? इसका 12% कितना होगा? भारतीय 36 मतलब 360। एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 360। तो देखिए 360 से कितना गुना है? तो बोलेंगे 3 गुना है। 36 गुना 3 108, 10 बैठा के 3 गुना। तो समय भी कितना लगेगा हमको? समय भी लगेगा 3। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना है, ये सारे चीज तो आना ही चाहिए, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे करेंगे बहुत मजा भी आएगा सवाल करने में और सवाल बहुत आसानी से हो भी जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको हर बार देखने को मिलता होगा, हर बार ये घूमता होगा क्वेश्चन से, कैसे करेंगे और इसमें कैसे करेंगे और करना ही नहीं है सवाल, घूमता है उस कैसे करेंगे सवाल को, हम तो बोलते हैं क्वेश्चन करना ही नहीं है। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन। कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 होल 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा? मतलब पूर्ण रुपया का मतलब क्या हुआ, इस लाइन को देखना है। पूर्ण रुपया का मतलब कि रुपया में कंप्लीट होना चाहिए, मतलब डेसिमल में नहीं आना चाहिए, मतलब 4 रुपया 50 पैसा ऐसे नहीं होना चाहिए, 4 रुपया 70 पैसा ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया ऐसे होना चाहिए। इसको बोलते हैं पूर्ण रुपयों में। समझ में आया बात? आइए अब हम समझते हैं। पर देखिए हमने क्या सीखा कि जो ब्याज है उस ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, वो एक तलब होगी। हमने और क्या सीखा? आर इंटू टी परसेंट, ये हमने सीखा ना। प्रिंसिपल मतलब 100% मान लेंगे तो साधारण ब्याज क्या होगा? आर इंटू टी परसेंट। अब सोचिए हम आर को टी को गुना करेंगे, आर कितना है मेरे पास? इसको लिखेंगे 20/3। आर क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे 20/3। इसका मतलब सोचिए आप, अगर ये 3 जब तक हटेगा ये नीचे से तब तक रुपया मेरा कंप्लीट नहीं आने वाला है। आ रहा समझ में? हम इसका अगर 20/3% निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो इस 3 को हमको हटाना है, ये आर है, बताइए टी मेरे पास क्या होना चाहिए कि 3 हट जाए? 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा? 3 होगा या 3 का मल्टीपल होगा या 3 का फैक्टर होगा? ये होगा, मतलब 3 का मल्टीपल 6 9 12 ऐसे होना चाहिए टाइम, या तो 3 का फैक्टर। 3 का फैक्टर मतलब क्या हो गया? जैसे उसका आधा मतलब डेढ़ होना चाहिए, डेढ़ से भी ये कट जाएगा। आया समझ में? एक नहीं होना चाहिए। फैक्टर में क्या होना चाहिए? इसका जो टेबल वाला नंबर वो आना चाहिए, तब तो पूरा कटेगा। इस 3 को हटाना है, 3 किसके कारण हटेगा? यहाँ पे क्या रखेंगे? 3 हट जाए, 3 रखेंगे, बस इतना ही करना, बनाना ही नहीं। पूर्ण रुपया में कब बनेगा? पूर्ण रुपया में तब बनेगा जब ये 3 हटेगा, बस यही देखना था। 3 को हटा देना, बाकी आप 20/3% इसका निकालेंगे, वो रुपया जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, उसको आप कितना बार आप गुना करेंगे चेक करना पड़ेगा। लेकिन सबसे साधारण तरीका क्या है? सिंपल देखना आर इंटू टी कैसे कंप्लीट बनेगा, डेसिमल में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। इस 3 को हटाना है, 3 कैसे हटेगा? जब यहाँ पर टी 3 होगा, समझ में आया? या टी डेढ़ होगा, डेढ़ से कटेगा, ये कटेगा, कंप्लीट बन जाएगा। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को आप ट्राई करेंगे और कैसे बनाते हैं ये चीज को नोट करेंगे
और कैसे बनाना है इस टाइप के क्वेश्चंस को ये भी नोट करेंगे। देखेंगे कि आज का जो वीडियो देखे हैं इस वीडियो को देखने से कितना बेनिफिट हुआ है। अगर बेनिफिट हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप सीखे आज के वीडियो में। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करना चाहिए था आपको और पहले कैसे करते थे। बिल्कुल नया तरीका देंगे, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीका देंगे, मतलब सोचने वाला तरीका। आप ऐसे सोचेंगे आपका क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ सुनिएगा। बोलता कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितने की 4% वार्षिक दर से 6000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। मतलब क्या बोला, समझ में आया कि पहला एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो पहला प्रिंसिपल का रेट 3% है, समय क्या है पता नहीं, यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा दूसरा टाइम में जो ब्याज मिलेगा दोनों ब्याज बराबर है, ठीक है। तो हमको बताना है कि पहला वाला जो ब्याज लेंगे हम उसमें समय कितना लगाएंगे, उसमें समय कितना लगाएंगे कैसे पता करेंगे। तो हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर सॉल्व करना है तो हमको देखना होगा कि साधारण ब्याज आ क्या रहा है और साधारण ब्याज कहाँ से पता कर सकते हैं। फर्स्ट वाला डेटा देखेंगे 8000 पे 3%, लेकिन समय नहीं पता, यहाँ साधारण ब्याज नहीं पता कर सकते, लेकिन यहाँ 6000 का 4% और 5 साल है, यहाँ साधारण ब्याज पता कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब दूसरा वाला साधारण ब्याज पता करके पहला वाला पे साधारण ब्याज को रख के हम वहां से समय पता कर सकते हैं। एक तरीका क्या हो गया, पी इंटू आर इंटू डी बाई 100 साधारण ब्याज। बात समझ में आया, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 ये होता है। हम इसको बार बार यूज नहीं करने वाले हैं, क्या समझे थे हम, SI बराबर R into T, कब, जब प्रिंसिपल 100% है। कभी भी आपको प्रिंसिपल दिया हुआ वो 100% ही लेके चलना है। अब बताइए यहाँ से नहीं बनाए क्योंकि यहाँ से हम ब्याज नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं क्यों, रेट भी है मेरे पास और टाइम भी है मेरे पास 5 साल। तो बताइए यहाँ पे SI कितना होगा, बोलेंगे आर इंटू टी मतलब 20%, है कि नहीं, 20%। इसका 20% निकाल लेंगे तो बताइए इसका 20% हुआ कितना, इसका 20% कितना होगा, बोलेंगे 1200 रुपया। इसका मतलब 1200 रुपया जो ब्याज है वो यहाँ से मिला तो यहाँ से भी 1200 रुपया ब्याज मिलेगा, बस यही चीज है। तो आप सोचिए कि 1200 रुपया 8000 पर कितना परसेंट होगा, ये ब्याज हो जाएगा 1200 रुपया है, रुपया में 1200 साधारण ब्याज है तो परसेंट में कितना होगा, तो परसेंट में तो चेंज करके कितना होगा, देखिए 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो काट दिए, 8 से काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा, इसका मतलब 15%। ये जो SI है वो SI कितना परसेंट है, 15% पहला वाला प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। हमने क्या सीखा, R into T बराबर SI परसेंट होता है। तो देखिए यहाँ का रेट कितना है 3, अब सोचिए कि SI बराबर हम सीखें R into T परसेंट, यही ना सीखें, तो SI बराबर R into T सीखें, मेरे पास R है मेरे पास, बताइए R कितना है 3%, तो हम T क्या होना चाहिए कि मेरा 15 आ जाए, क्या आ जाए 15 आ जाए, इसका मतलब T का मान क्या आएगा, बोलेंगे 5 ईयर। बोले समझ में आया कि नहीं, T कैसे पता किए, इसका आंसर क्या होगा 5 साल। आप समझ पाए इस सारे चीजों को, आप इसको यहाँ पर SI बराबर P into R into T by 100 रखेंगे यहाँ पर तो मेरा 1200 आएगा। इसमें भी समय बचा दिए हम, कैसे, R into T रख करके, R into T क्या होता है 20% प्रिंसिपल का 100% रख के 20% निकाले 1200 आया, ये 1200 ब्याज यहाँ भी मिलेगा, तो यहाँ पर रुपए में 1200 है लेकिन परसेंट में कितना वो पता किए हम। ये अगर 100% है, अगर 8000 100% है तो जो 1200 कितना परसेंट होगा, तो 1200 जो 15% होगा, 15% का मान क्या होता है, 15% का मान होता है R into T परसेंट होता है, R into T परसेंट, बात समझ में आ गया आपको। तो बताइए R into T परसेंट 15 होना चाहिए, तो रेट कितना है 3, तो समय क्या होना चाहिए 15 होता है, बोलेगा 5। ये तरीका आपको समझ में आया, ये लिखने वाला तरीका। लेकिन अब मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगा जो इस तरह के सारे क्वेश्चन में आप आराम से उसको बना सकते हैं और चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, देखिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, ये वो सुनेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या बोलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर रुपए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3% है और 8000 रुपए है, यहाँ पर 4% है, 6000 रुपए है और 5 साल है। क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है कि दोनों का साधारण ब्याज बराबर है और समय ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज बराबर है तो SI का फॉर्मूला आप क्या देखें, P into R into T by 100 ये देखें आप। इसका मतलब पहला वाला P into R into T दूसरा वाला P into R into T के बराबर होना चाहिए, यही चीज ना है,
फर्स्ट का p इंटू आर इंटू टी बाय 100, ये पहला एस आई का एस आई वन, और दूसरा एस आई टू ये बराबर थी, यहाँ भी p इंटू आर इंटू टी बाय 100 ये बराबर होने चाहिए, यही ना कंसेप्ट है। इसका मतलब हम देखेंगे सिर्फ बराबर करने के, सिर्फ बराबर करेंगे इसको, बराबर हो जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए पहले आप रुपए को कंफर्म कीजिए, रुपए को पहले आप कंपेयर कीजिए, रुपए को यहाँ पे 8000 है या 6000, रेशियो क्या दिखेगा, बोलेंगे 4 और दिखेगा 3, बात समझ में आ गया, कट गया ये। अब देखिए रेट को देखिए, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, काट दीजिए इसको, कट गया, मतलब पहला वाला साधारण ब्याज का फॉर्मूला दूसरा वाला साधारण ब्याज का फॉर्मूला से इक्वल करना है, जो जो कटे या काट दीजिए, यहाँ 4 ये 4 कट गया। अब आप सोचिए यहाँ पे समय 5 बज गया, यहाँ पे समय पता ही नहीं कितना, क्या रखेंगे कि कट जाए, बोलेंगे 5 रखेंगे तो कट जाएगा, पूरा बराबर हो जाएगा, सिंपल क्या समझ में आया क्या तरीका, समझ में एक बार और समझा, ध्यान दीजिए हम बोले कि रुपए को कंपेयर कीजिए, रुपए का रेशियो क्या मिला 4:3, यहाँ पे रेट का रेशियो क्या 3:4, तो 4 से 4 काट दिए, 3 से 3 काट दिए, खत्म हो गया रुपए और रेट खत्म हो गया, टाइम बचा। सेकंड वाला में टाइम 5 साल है, तो पहला वाला में टाइम 5 साल होगा तब तो ये कटेगा और बराबर होगा, इसका मतलब पहला वाला में टाइम क्या लगेगा 5 साल लगेगा। बोलिए समझ में आपको, समझ में आ गया होगा दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, क्या आप सीख पाए, कितना सीख पाए, कैसे आप चीजों को सोचेंगे, ये सारी चीज आप खुद से भी करने की कोशिश करें, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद।